नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पूर्णिमा तक के लिए कुछ मुझे डिवाइन गाइडेंस फील हो रही है, और वो थी मस्कुलाइन एनर्जी के लिए रीडिंग। अब है फेमिनाइन एनर्जी के लिए रीडिंग। समाओ ये अपने आप ही मुझसे कार्ड कुछ ज्यादा उठ गए, और जब मैंने डिवाइन से इसके लिए गाइडेंस मांगी तो मुझे यही गाइडेंस फील हुई कि पूर्णिमा तक ये अलग अलग एनर्जीज का प्रेडिक्शन है। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूं या इस विषय पर वीडियो बनाऊं, लेकिन ये अपने आप हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए, आप लोगों को जनाना चाहिए कि ये दोस्तों जो रीडिंग है ये पूर्णिमा तक प्रभावित रहेगी, फुल मून तक प्रभावित रहेगी इसकी एनर्जी। तो ये है फेमिनाइन एनर्जी के लिए रीडिंग, और मैं देख पा रही हूं कि फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त क्या करेगी पूर्णिमा तक। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग इस समय फेमिनाइन एनर्जी में हैं, यानी जो फीमेल्स हैं, उनके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है। आप देख रहे हैं ना कि एक क्वीन है और हाथ में उसके सोर्ड पकड़ी हुई है ना, और वो थोड़ा सा कुछ हाइपर, कुछ एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही हैं हमें। तो यहाँ पर ये कार्ड हमें कह रहा है कि किसी भी प्रकार की बहसबाजी आपने नहीं करनी। हो सकता है इस वक्त आप हाइपर मूड में हो, किसी बात को लेकर गुस्सा हो, किसी बात को लेकर नाराज हो, किसी को आप कोई जवाब देना चाहती हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये फ्रेंड्स आप ही के लिए अच्छा है, इससे आप ही को फायदा होगा। और अगर आप कुछ क्रिएटिव काम कर रही हैं या करने जा रही हैं या सोच रही हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने उस क्रिएटिव वर्क को और अच्छे से करें। और देखिए, जो आपको आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जीज ऐसी होंगी, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो कुछ जिनके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होंगे। तो अभी ये टाइम है कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को अब आप एक मूर्त रूप दें, उस पर आप वर्कआउट करें, काम करें और फोकस करें कि आप क्या बेहतर कर सकती हैं, और उस काम को आप कर डालें। अब सोचने का टाइम नहीं है, कर डालें। यहाँ पर मैं जो मेरे को ऐसा फील हो रहा है वो ये कि हो सकता है पूर्णिमा तक के टाइम में कोई बहुत ही चालाक और शक्तिशाली पर्सन, चाहे वो चालाक हो या वो वैसे ही बहुत प्रभावशाली हो, जिसका समाज में रोब हो, दबदबा हो, या किसी भी सेंस में, चाहे वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, कैसे भी हो, यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी जो है इनकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से होगी। उस पर्सन से सावधान रहना है। जी हाँ, मैं पहले आपको वार्न कर रही हूँ कि उस पर्सन से सावधान रहना है। वो पर्सन शायद उसकी नजर आपसे कुछ नाजायज फायदा लेने की है। जी हाँ, कोई आपको मूर्ख बना सकता है, कोई आपसे नाजायज फायदा उठा सकता है आपका, और अपना मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकता है। उसकी गीद दृष्टि को पहचाने, उसे भांपे और उससे बचें। कुछ मुझे फेमिनाइन ऐसे भी दिख रही हैं जिनको पास्ट की कुछ चीजें जो हैं परेशान कर रही हैं, वे परेशान हैं उनको सोच सोच कर, उन चीजों से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो समय है कि आप अपने पास्ट की उन एक्सपीरियंसेस को, उन बातों को, या वो जो लगाव था आपका जिनके साथ, और अब आप उनको भुला नहीं पा रही हैं, आप उनकी दुख से, उनकी तकलीफ से परेशान हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी कोर्ड्स को कट करना होगा उनसे। अब आपको उन चीजों को भुलाना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप कहेंगे कि ये आप कैसी बात कह रही हैं, इतना कैसे पॉसिबल है, लेकिन अपने बेहतर के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। आपको अपने कोर्ड्स की कटिंग करनी होगी और आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ पर मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि अगर आप किसी समस्या का हल ढूंढ रही हैं, किसी समस्या का हल चाहती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति से ही उस समस्या का समाधान होगा। अगर आप सोचती हैं कि आप छल से, बल से या प्रपंच से, आप किसी भी प्रकार से आप इसको, इस सॉल्यूशन को निकाल लेंगी, तो ऐसा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो काम आप पूर्णिमा तक प्यार से निकाल सकती हैं ना, वो काम आप और किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकती हैं। और कुछ मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जिनकी बॉडी में दर्द हो रहा होगा, या उनको कुछ हेल्थ इश्यू ऐसे हो रहे होंगे जो अंदर ही अंदर हो रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में उन लक्षणों को ना ही तो पहचान पा रही हैं और बात भी नहीं कर पा रही हैं डॉक्टर से। जैसे कि बॉडी का बहुत भारी होना, नींद का बहुत ज्यादा आना, शरीर का थका थका, गिरा गिरा महसूस होना, हो सकता है ऐसा बहुत सारी लेडीज को हो रहा हो।
तो ऐसे में उनके लिए मुझे जो फील हो रहा है वो यही कि उनकी बॉडी को प्यूरिफिकेशन की जरूरत है और डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। तो आप इस पर वर्कआउट करें। आप जैसे ही अपनी बॉडी का, अपनी ऑरा का प्यूरिफिकेशन करेंगे, अब आप सोचेंगे कि बॉडी का कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। देखिए, आप एंटी क्लॉकवाइज, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि थोड़ा सा नमक लीजिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 times रोटेट करके और उसको फ्लश कर दीजिए। और नहाने के पानी में भी आप अच्छा खासा नमक और एक पाउच कॉफी का, छोटे पाउच आते हैं ना सैशे, एक पाउच कॉफी का आप नहाने के पानी में डालिए, हल्के गुनगुने पानी में डालिए और उसमें नहाइए और देखना क्या कमाल का आप फील करेंगे। तो आप ये जरूर कीजिएगा डियर वंस, और आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप बॉडी को ये दो काम आप कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफाई, तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगी और जो इश्यूज आपको इस समय फील हो रहे हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। यहाँ पर एक एडवाइस और निकल कर आ रही है कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, शायद वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, हस्बैंड घर पे हैं, बच्चे घर पे हैं और वो प्रॉपर अपने पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पर कुछ फेमिनाइन ऐसी हैं जिनका डोनेशन का काम, दान पुण्य का काम, धार्मिक काम जो है वो रुक सा गया है, उसमें बाधा आ गई है। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप समय निकालिए और जो कुछ आप पहले करते थे, पूजा पाठ इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि, वो सबको दोबारा शुरू कीजिए। इससे क्या है कि आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, आपको अपनी मेंटल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में, फिजिकल बॉडी में और ऑल ओवर अपनी सराउंडिंग में आपको बहुत अच्छा फील होगा। कहीं ना कहीं आप शायद स्टक हो गई हैं और अपने उन कामों को दोबारा से शुरू करने का प्रयास कीजिए। तो याद रखिए, पूर्णिमा तक आपने डेली कुछ ना कुछ डोनेट करना है। उसके बाद मेरे पास जो और निकल कर आ रहा है, उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मुझे यहाँ जो फील हो रहा है कि उपाय आपको करना है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कीजिए और अपने मन में एक प्यार की एनर्जी, एक लव की एनर्जी पैदा करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, काम करते करते, और ये जो आसपास का हमारा आजकल बोझिल वातावरण हुआ पड़ा है, आप इन सबसे बहुत परेशान हो गई हैं, तो आप प्यार से बात करना, मुस्कुराना और हंसना शायद भूल गई हैं। तो प्लीज एक छोटी सी स्माइल तो पास कर दीजिए इतना सुनकर। आपके लिए खुश रहना जादू का काम करेगा, एक मैजिक हो जाएगा जब आप हंसेंगी, बोलेंगी और खुश होंगी। तो बहुत दिन हो गए हैं लगता है आपको मुस्कुराए, तो प्लीज आप मुस्कुराइए और सभी से प्यार से बात कीजिए और चेक कीजिए कि कितने दिन हो गए हैं आपको किसी से बात किए। उनसे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, मीठी मीठी बात कीजिए, प्यारी प्यारी बात कीजिए अपनों से। तो देखिए कि आप कैसे खुशी को प्राप्त करती हैं। जैसे जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करेंगी, वैसे वैसे आप देखना कि कैसे मैजिक होता जाएगा, ये एनर्जी आपके अंदर खुद ही डेवलप हो जाएगी। लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको पता है ना कि कितना मैजिक क्रिएट हो जाता है। तो आप लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, आप गांव को कुछ खाने के लिए दीजिए, आपकी सभी एनर्जीज और वो भारीपन और चिड़चिड़ापन ये सब खत्म हो जाएगा। डियर वंस, ये आपको पूर्णिमा तक करना है। मैं आपको बीच में बार बार याद दिला रही हूँ कि ये पूर्णिमा तक मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। उसके अलावा आपको और क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे बीच में कुछ लेडीज ऐसी भी होंगी कि जो जिनके रिश्ते शायद कुछ बोझिल चल रहे हैं, तो उनको रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, यानी कि उनको सूर्य को जल देना चाहिए। और जो नेम फेम चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, घर से काम करना चाहती हैं लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, वो घर से काम करना चाहती हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहती हैं, तो ऐसे में उनको भगवान सूर्य को डेली जल देना चाहिए। और कुछ छोटे मोटे डिजीज जो हैं बॉडी में, जिन भी फीमेल्स के बॉडी में इस टाइम कुछ छोटे मोटे डिजीज हैं या कुछ एलमेट्स हैं, तो उनको भगवान सूर्य की आराधना करने से बहुत लाभ होने वाला है। और रिस्पेक्ट के लिए, पावर के लिए, जो वो चाहती हैं घर परिवार में उनके हर कोई सुने, उनको रिस्पेक्ट मिले, तो यहाँ पर भगवान सूर्य को जल देने से उनकी ये मनोकामना पूरी हो गई। तो डियर वंस, मैं समझती हूँ कि ये मेरी छोटी सी रीडिंग जो अपने आप एक डिवाइन मैसेज मेरे पास निकल कर आया था,
कल निकल कर आया था और ये पूर्णिमा तक प्रभावित रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनों के बीच में शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।